हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिजिटल SDHR में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट जनरेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर हम व्हाट्सएप पर नॉर्मली किसी को मैसेज करते हैं तो जो नॉर्मली टेक्स्ट होता है वही हम सेंड कर पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट जनरेटर बताऊंगा, यानी कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का एक जनरेटर बताऊंगा, जिससे कि आप अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना चाहते हो तो एक यूनिक तरीके से मैसेज कर सकते हो। उसे वो जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल ही फॉन्ट स्टाइल उसकी चेंज हो जाएगी, या फिर अगर आप इंस्टा बायो लिखना चाहते हो तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट जनरेटर होता है वो हमारे जो टेक्स्ट होता है फॉन्ट स्टाइल होती है उसे चेंज कर देता है बिल्कुल यूनिक तरीके से, और स्टाइलिश वर्ड लिख सकते हो। तो आप अपने अगर बायो चेंज करना चाहते हो, बायो लिखना चाहते हो अच्छे से टेक्स्ट चेंज करके, तो ये हमारी वीडियो, आज की वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हो डिजिटल SDHR। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। के साथ फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर। मेन स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप में टेक्स्ट को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप अपना ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप में जाने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर मैं टाइपिंग करता हूँ तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो टेक्स्ट स्टाइल होती है वो कैसी आ रही है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप इस टाइप से नॉर्मली सभी व्हाट्सएप में ऐसा ही टेक्स्ट होता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि टेक्स्ट स्टाइल को कैसे बदलना है। अगर आप किसी स्पेशल को कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो आप स्पेशल तरीके से अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो टेक्स्ट को। तो और इसके अलावा आप जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिए, इंस्टाग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा है बॉय हर्ष सेन, ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी यूनिक कीवर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो इस टाइप से आप भी लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल में जैसा भी ब्राउज़र है, जो भी ब्राउज़र आप चलाते हो उसे आप सिंपली ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र यूज़ करता हूँ तो ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपली हमें यहाँ गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है TXT टेक्स्ट जनरेटर। तो यहाँ पर टेक्स्ट जनरेटर का एक कीवर्ड आ जाता है, इसे हमें सर्च कर लेना है। ऐसा सर्च कर लेने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स अलग अलग आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे आपको फर्स्ट वाली को ओपन कर लेना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है नॉर्मल टेक्स्ट गोस हियर एंड, और उसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है एंड फैंसी टेक्स्ट विल बी अपेयर हियर। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो भी आपको टेक्स्ट को ऐसे स्टाइलिश बनाना है उसे यहाँ पर लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अपना नाम HEMANT हेमंत सेन, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। उसके बाद इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो जो मेरा नाम है उस नाम के कीवर्ड जितने भी है कितने स्टाइलिश बने हुए आ जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप हेमंत सेन, यहाँ पर आप बहुत सारे देख सकते हो, बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पर स्टाइलिश। तो मैं यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसे यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद मैं इसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाऊँगा, और व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से गया, जो उसका जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, जो हमने टेक्स्ट जनरेट करके भेजा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप से आप भी अपने किसी मैसेज को, बड़े या छोटे मैसेज को, आप इसी तरीके से स्टाइलिश बना सकते हो, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो इस टाइप से आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी बहुत सारी वेबसाइट दे रखी है जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आप अपने खुद का जो टेक्स्ट होता है उसे जनरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर दूसरी जो वेबसाइट है इन पर भी आप जा सकते हो। तो इनमें भी सेम वही प्रोसेस दे रखी है, यहाँ पर आपको सिंपली अपने जो टेक्स्ट है वो आपको लिखना है, उसके बाद उसको ये जनरेट ऑटोमेटिकली कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है, आप कहीं से भी कुछ भी अपने हिसाब से टेक्स्ट को बना सकते हो। इससे आपको अपना जो इंस्टाग्राम बायो होता है वहाँ पर भी आपको अपना जो बायो होता है उसे आप स्टाइलिश तरीके से लिख पाओगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर हेमंत सेन लिखा है, देख लीजिए सबसे ऊपर, और हमारे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं हेमंत सेन नाम से, तो आप इसे देख ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।